नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्र सरकार विस्तारित पूर्णबंदी लागू किए जाने के बारे में आज व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगी। सभी यात्री रेल सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह रद्द की गईं। कोविड 19 से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में आज से कर्फ्यू लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय किया। सरकारी एजेंसियां आज से समूचे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं और नेपाल में पूर्णबंदी 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार विस्तारित पूर्णबंदी लागू किए जाने के बारे में आज व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक पूर्णबंदी बढ़ाने की घोषणा की है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नए दिशा निर्देश तैयार करते समय सरकार ने गरीबों और दिहाड़ी कामगारों का हित ध्यान में रखा है। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण की दृष्टि से सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सतर्कता बरती जाएगी और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन नियम का पालन कराने और संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों में प्रबंधन को लेकर सभी जिलों और राज्यों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद जिन राज्यों में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र नहीं मिलेंगे या जो राज्य ऐसे क्षेत्रों के फैलाव पर अंकुश रखेंगे उनमें शर्तों के साथ कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत का संघर्ष बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और लोगों ने दिक्कतें झेलते हुए इस संकट से देश को निकालने में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए हर नागरिक एक अनुशासित सैनिक की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने पूर्णबंदी को सफल बनाने में लोगों के धैर्य और अनुशासन की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि शीघ्र तैयारी करने से देश को संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने में मदद मिले। उन्होंने लोगों से 7 बातों में सहयोग करने की अपील की। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड 19 का कोई मामला सामने आने से पहले ही हवाई अड्डों पर जांच का काम शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण और समय पर किए गए निर्णय के कारण देश आज संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के मामले में अधिकतर विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत प्रयासों से भारत को इस संकट से निपटने में मदद मिली है। उद्योग जगत के संगठनों फिक्की और एसोचैम ने देशव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का समर्थन किया है। फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री हम सब के लिए महान प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्होंने संकट के समय में जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकजुट किया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि छूट प्राप्त करने के लिए पूर्णबंदी को 20 अप्रैल तक सख्ती से लागू करने की अपील के प्रभावी परिणाम सामने आएंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने नागरिकों से पूर्णबंदी का गंभीरता से पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉ गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना कोविड 19 से निपटने के लिए बहुत प्रभावी होगा। मेरा ये मानना है कि ये लॉकडाउन बहुत प्रभावी होगा और ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो हमने जब से लॉकडाउन किया है उसका जो हम देखें असर, तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में केसेस कम हुए हैं और वो अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो है वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड 19 महामारी से बचने की वैक्सीन विकसित करने का कार्य जोर शोर से जारी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉ विजय राघवन ने कहा कि उद्योग जगत और शोधार्थी इस पर काम कर रहे हैं। हमारे रिसर्च लेबोरेटरीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री जो हैं, कई लोग कोविड 19 के वैक्सीन में काम कर रहे हैं। कुछ कोलैबोरेशन विदेशी इंस्टीट्यूट्स और WHO के साथ भी हो रही है और दुनिया में अभी तक 3 वैक्सीन ट्रायल पे गए हैं। एक तो आगे थोड़ी आगे बढ़ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही लॉटरी टिकट कई खरीदे हैं और उनमें से कम एक तो प्राइज विन करेगी। वैक्सीन तो आ जानी चाहिए, टाइम लगती है उसके लिए क्योंकि पूरी सेफ्टी और एफिकेसी टेस्ट करने पड़ती है, लेकिन आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप सरकार ने कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए अगले महीने की 3 तारीख तक पूर्णबंदी बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राधिकरणों को इस बारे में निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी के अंतर्गत किए जा रहे उपाय जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने के साथ विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधियों पर लागू सभी प्रतिबंध जारी रखे जाएं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लागू प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते। केंद्र कोविड 19 महामारी से निपटने के हर संभव उपाय कर रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो इस संकट के निपटने की तकनीकी समाधान सुझाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गदर्शन में 20 विशेषज्ञों की टीम ने आरोग्य ऐप विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी की पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक सहित देश विदेश की भरपूर सराहना मिली है। आरोग्य सेतु ऐप रेडियो सिग्नल एल्गोरिदम के आधार पर कोविड पॉजिटिव रोगियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके संक्रमण के फैलने की संभावना को कम करता है। इसे विकसित करने वाले देश के उम्दा तकनीकी शास्त्रियों ने ऐप का इंटरफेस उपयोगकर्ताओं के लिए बिल्कुल सरल रखा है। यह ऐप उन लोगों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करता है जो किसी भी कोविड 19 रोगी के संपर्क में आए हैं। इसकी मदद से ऐसे सभी व्यक्तियों की क्वारंटाइन में देरी की संभावना और संक्रमण को कम किया जा सकता है। जैसा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया है कि कोरोना रोगियों में संक्रमण के लक्षण विकसित होने में कुछ समय लगता है, यह ऐप आपके फोन में ही आपसे मिलने वाले सभी लोगों की जानकारी 30 दिनों तक सुरक्षित रखता है ताकि यदि आपसे मिलने वाला व्यक्ति बाद में भी कोरोना पॉजिटिव हो तो इसकी जानकारी आपको अवश्य मिल जाए। वहीं दूसरी ओर आप किसी भी समय ऐप में दिए गए कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर देकर अपने स्वास्थ्य का आत्मविश्लेषण भी कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीडी
डीजी आरएस मनी ने कहा, इफ एवरीवन डाउनलोड्स एंड इफ वी कीप द ब्लूटूथ ऑन देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस दैट वी कैन इजीली कंटेन इट बिकॉज इफ आई एम टेस्टेड पॉजिटिव एंड आई डोंट हैव एन ऐप द ओनली वे आई कैन टेल यू इज 5 or 10 नेम्स सो आई विल जस्ट गिव दिस डाटा टू एनसीडीसी और आईसीएमआर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह ऐप उपयोगकर्ता के डेटा को सुरक्षित रखता है और सभी से ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर अस इन आवर मीडियम टर्म जर्नी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड टू फिल द रिक्वायर्ड डेटा। आई अश्योर यू दैट द प्राइवेसी कंसर्न्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। लॉन्च होने के मात्र 12 दिनों के अंदर ही 4 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने अब तक ये ऐप डाउनलोड किया है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार देश के हर नागरिक से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके वैश्विक आपदा से देश के इस लड़ाई में भागीदार बनने का आग्रह किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पूर्णबंदी बढ़ाए जाने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्वीट संदेश में गृहमंत्री ने लोगों से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपील की। राज्य सरकारों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं वो प्रशंसनीय है। गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने कहा है कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति है। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष आपसी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइन द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। अभी तक इस कंट्रोल रूम में मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से लगभग 5,000 शिकायतों का निदान किया है। गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी के बीच कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता सहित विभिन्न शहरों में बनाए गए इन नियंत्रण कक्षों का उद्देश्य कामगारों की मजदूरी संबंधी शिकायतों का समाधान करना और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रवासी कामगारों की परेशानियां दूर करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-7804 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-4-4-0 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार विस्तारित पूर्णबंदी लागू किए जाने के बारे में आज व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगी। सभी यात्री रेल सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह रद्द की गईं। कोविड 19 से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में आज से कर्फ्यू लगा दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। सरकारी एजेंसियां आज से समूचे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं और नेपाल में पूर्णबंदी 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री रेल सेवाएं पूर्णबंदी के कारण 3 मई तक पूरी तरह रद्द रहेंगे। रेल मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में कहा है कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में 1463 व्यक्तियों में कोविड 19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित लोगों की संख्या अब 10,815 हो गई है। अब तक 1190 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 353 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने नई दिल्ली में बताया कि देश में 602 समर्पित कोविड 19 अस्पताल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद उन क्षेत्रों को लॉकडाउन से ढील दी जाएगी, जहां वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि इस समय मुख्य प्रयास कोविड 19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः घनी आबादी जो एरियाज हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज ले लें, दिल्ली के एरियाज ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं, उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेडिंग फैसिलिटीज पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉयर गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। गुजरात में पुराने अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल इसकी घोषणा की थी। ये कर्फ्यू 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। पिछले 12 घंटों में राज्य में संक्रमण के 33 नए मरीज आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 650 हो गई है। शहर के कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला भी संक्रमित लोगों में शामिल हैं। बिहार में 56 विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये लोग पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे। इसके बाद बिहार में विभिन्न मस्जिदों में छिप गए थे। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि पर्यटन वीजा पर आए ये विदेशी नागरिक विदेशी अधिनियम 1946 का उल्लंघन करके धर्म प्रचार में लगे थे। इन्हें गिरफ्तारी से पहले 14 दिन तक अलग अलग निगरानी शिविरों में रखा गया था। 56 विदेशियों में 17 इंडोनेशिया, 16 किर्गिस्तान, 14 मलेशिया और 9 बांग्लादेश के हैं। इन लोगों को पटना, अररिया, किशनगंज, बक्सर और समस्तीपुर के विभिन्न मस्जिदों से पकड़ा गया था। ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वे धार्मिक प्रचार करते पाए गए। इन सभी की जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा गया था। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर संबंधित स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन लोगों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पटना, बक्सर और अररिया के जेलों के अलग अलग वार्ड में इन्हें निगरानी में रखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों का पता लगाने के लिए 8,000 गांवों में घर घर जाकर जांच करने का निर्णय किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि यह निर्णय संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि उन गांवों की जांच की जाएगी जिनमें 1 मार्च से 23 मार्च के बीच विदेश से लोग आए हैं। ये जांच कल से शुरू होगी और 24 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। 2 सदस्यों का दल प्रश्नावली के साथ प्रतिदिन 200 से अधिक लोगों से पूछताछ करेगा और कोरोना संबंधी आंकड़े एकत्र करेगा।
दिल्ली में कोविड 19 संक्रमण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। दिल्ली सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक के आसपास के इलाके चिराग दिल्ली में जैन मोहल्ला, जनकपुरी का सी ब्लॉक, बाड़ा हिंदूराव, नवाबगंज, शास्त्री पार्क का बी ब्लॉक और जहांगीरपुरी के कुछ इलाकों सहित 8 नए अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। दिल्ली सरकार की ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत इन क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड 19 संक्रमण के नमूनों की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 350 से अधिक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। 2-3 सप्ताह पहले ये क्षमता केवल 50 नमूने प्रतिदिन की थी। श्री सिंह ने पूर्णबंदी की अवधि के दौरान संक्रमण की रोकथाम और एहतियाती उपायों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की। पूर्णबंदी के दौरान ग्रामीणों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काफी मददगार साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में अनेक ग्राम पंचायतें ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए मनरेगा के तहत निर्माण कार्य चला रही हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कोनारी गांव में इन दिनों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब के गहरीकरण, गौठान और नाली निर्माण जैसे काम चल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान काम मिलने से ग्रामीण मजदूर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत राहत मिला क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और हस्बैंड लोग भी घर में हैं, तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुछ काम करेंगे, पैसा आएगा जिससे हम घर चला सके, हम लोग को बहुत राहत मिला। और जैसे सरकार का नियम है कि दूरी बना के बैठो करके, वो भी हम लोग पालन कर रहे हैं। मास्क लगाओ जो हमें पंचायत से सरपंच द्वारा मिल गया मास्क भी, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है, सब चीज का हम लोग पालन भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ को 685 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इनमें से 404 करोड़ रुपए मजदूरी भुगतान के लिए दिए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सरकारी एजेंसियां आज से पूरे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं। इस वर्ष बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद रबी की रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की आवश्यकता है। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रबी मौसम की गेहूं खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का फैसला किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा दिए बिना उत्तीर्ण समझा जाएगा। ये फैसला उन लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी परीक्षा की तैयारियां और पढ़ाई कोरोना वायरस के खतरे की वजह से स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के बंद हो जाने के चलते प्रभावित हुई थी। कल एक समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने घोषणा की कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 20 अप्रैल से ई लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा और व्हाट्सएप ऐप के जरिए वर्चुअल कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के छात्रों को पढ़ाने के लिए दीक्षा पोर्टल की मदद ली जा सकती है और साथ ही ये सुझाव भी दिया कि इस सिलसिले में दूरदर्शन छात्रों की मदद के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर शर्मा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस साल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के पहले हफ्ते में घोषित कर दिए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज निसारी ने लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में बताया। आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वो पूरा फोकस था कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। जो रोजमर्रा की आइटम जो अपने घर में किचन में होते हैं, जैसे दालचीनी है, तुलसी है और काली मिर्च है, अदरक है, अदरक विशेषतः अगर सूखा हुआ अदरक है जिसको सौंठ कहते हैं, तो इसका अगर हम रोज चाय बना के लेते हैं तो उसमें 4 से 5 पत्ती तुलसी के, 3-4 काली मिर्च के दाने, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-11-5767। टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। newsonair ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी बल के मेजर जनरल अशोक सिंह ने कोविड 19 से संघर्ष के सिलसिले में कल श्रीनगर में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा महामारी से निपटने में संयुक्त नागरिक सैन्य कार्रवाई योजना की तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त शहबाज अहमद मिर्जा ने मेजर जनरल अशोक सिंह को जिला प्रशासन के प्रयासों से अवगत कराया और भारतीय सेना से मिल रहे सहयोग की सराहना की। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 16 हो गई है, जिसके बाद सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ये फैसला काठमांडू में कल मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। 24 मार्च को पहली बार नेपाल में लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद तीसरी बार इसकी अवधि बढ़ाई गई है। मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी निलंबित करने का फैसला किया है। हमारे भोपाल संवाददाता ने प्रधानमंत्री जनधन खाते के कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। मैं सतना में रहती हूँ, अनंती मेरा नाम है और मुझको विद्या पेंशन मिलती है, उसी में मेरा घर परिवार चलता है। हर महीने मिलती है 600 रुपये। रामलाल गुप्ता नाम है, पेंशन मिलती है 600 का महीना, हमारा खर्चा चलता है। मेरा नाम है द्रौपदी गौतम, मैं जवाहर नगर में रहती हूँ। जनधन खाता जो मोदी सरकार का खुला है उसमें मेरा 500 रुपया आता है, उसी में हमारा खर्चा चलता है। बहुत अच्छे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। देश भर में पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने के प्रधानमंत्री के बयान को अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता की सुर्खी है 3 मई तक बढ़ी घरबंदी की मियाद, प्रधानमंत्री की सप्तपदी, लोगों से मांगे 7 वचन। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है 3 मई तक लॉक, चाबी आपके हाथ में, 20 अप्रैल तक और कड़ाई, फिर जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें मिलेगी छूट, दिशा निर्देश आज जारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है 28 दिन तक कोरोना का नया केस न आने पर ही माना जाएगा कोरोना मुक्त क्षेत्र, कुछ मामलों में 22 दिन के बाद लक्षण सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा संक्रमण श्रृंखला टूटने में लगता है 28 दिन का समय। अमर उजाला लिखता है गरीबों की भी है चिंता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा। कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन संबंधी शिकायतों के लिए 20 कंट्रोल रूम, हिंदुस्तान संकट शीर्षक से लिखता है 24 घंटों में 1463 नए मरीज, 29 की मौत, 1900 विदेशी जमातियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकलने के बाद से फरार हैं ये विदेशी। पंजाब केसरी लिखता है मुंबई स्थित बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का सैलाब, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत में भी मजदूर उमड़े, एक्शन में पुलिस। गृहमंत्री ने कहा ऐसी घटनाएं कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर सकती हैं। पूर्णबंदी के दौरान वर्क फ्रॉम होम शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है साइबर अपराध का खतरा बढ़ा, साइबर चोरों का हमला कम सुरक्षित माध्यमों का उपयोग बना कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से नवभारत टाइम्स लिखता है कोरोना पर BCG के टीके का असर नहीं, फ्लू से 10 गुना खतरनाक, पुराने लगे ज्यादातर टीके फायदेमंद नहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार विस्तारित पूर्णबंदी लागू किए जाने के बारे में आज व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगी। सभी यात्री रेल सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह रद्द की गईं। कोविड 19 से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में आज से कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय किया है। सरकारी एजेंसियां आज से समूचे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं और नेपाल में पूर्णबंदी 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई। इसके साथ ही कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।